और अभी आप देख सकते हैं हम लोग लता मंगेशकर चौक पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं राम की पेड़ी। एक छोटा सा महल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, और ये देख सकते हैं यहाँ पे मंकी राम की पेड़ी में, राम की पेड़ी का भव्य नजारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जय श्री राम मित्रों, अभी मैं पहुंच चुका हूं राम की पेड़ी में, और मेरे पीछे जो नज़ारा देख पा रहे हैं ये राम की पेड़ी का है। अगर आप अयोध्या मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं तो अयोध्या मंदिर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये राम की पेड़ी है, जहां पे दीपावली के समय में दीपोत्सव मनाया जाता है, और ऐसा कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा दीपोत्सव महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं बैक टू बैक आप लोगों को अयोध्या का ब्लॉग बना करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं राम की पेड़ी की ओर। और अभी आप देख सकते हैं हम लोग लता मंगेशकर चौक पहुंच चुके हैं, और यहाँ बहुत ही बड़ा वाला वीणा देख सकते हैं। और भीड़ देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी हम लोग राम की पेड़ी की ओर जा रहे हैं, और देख सकते हैं हम लोग राम की पेड़ी में पहुंच चुके हैं, और ये रहा राम की पेड़ी का नजारा। और अमूमन आप लोग यहाँ पे देखते होंगे दीपावली के समय में 15 लाख दियो का जो सजावट होता है ये इसी जगह पे होता है, और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से राम की पेड़ी का दर्शन करवा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त लोग स्नान कर रहे हैं, और ये राम की पेड़ी, और यहाँ पे दीपोत्सव जो होता है ना काफ़ी भव्य होता है, और ये जितने भी बैरिकेटिंग आप लोग देख पा रहे हैं ये सभी बैरिकेटिंग में दीप जलाया जाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं राम की पेड़ी लिखा हुआ है, देख सकते हैं राम की पेड़ी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से भीड़ है, और चारों तरफ राम भक्त आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे सभी कोई दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं अयोध्या प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने के लिए। और ये राम की पेड़ी का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पे, और तमाम जो भक्त हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही है, और इधर देख सकते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए हमारे कुछ लोग टीम के लोग यहाँ पे मिले हुए हैं, और इधर आप देख सकते हैं ये राम की पेड़ी, और ये राम की पेड़ी का भव्य नजारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज रहा है अभी, और 8 बजे के टाइम में आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीड़ है भक्तों की। जय श्री राम दोस्तों, और ये काफ़ी भव्य नज़ारा है राम की पेड़ी का, और देख सकते हैं राम जी का महल, एक छोटा सा महल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, और यहीं पे प्रभु श्री राम कभी आया करते थे इस जगह पे, और देख सकते हैं काफी हसीन मौसम है, और मौसम तो आप लोग देख ही पा रहे हैं चारों तरफ कुहासा है। अब चलते हैं हम लोग, आप राम की पेड़ी की ओर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बंदर है, और इन बंदरों से आप लोगों को सावधान रहना है, देख सकते हैं। नो 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 नो, देख सकते हैं राम की पेड़ी जहाँ है वहाँ हनुमान ना हो ये हो नहीं सकता है, छोटे छोटे बंदर ना हो ये हो नहीं सकता है, बात तो सही है। और देखिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आप देख सकते हैं सभी राम भक्त पहुंच चुके हैं राम की पेड़ी में, और इधर भी आप देख सकते हैं काफी सारे लोग राम भक्त पहुंचे हुए हैं आज राम की पेड़ी के पास में। तो बबलू कैसा लगा राम की पेड़ी का नजारा? गजब का है, मतलब अद्भुत है ना नजारा, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे विजिट भी किए हैं, और गजब का यहाँ का दृश्य है, हर एक चीज को एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है। जी जी जी, और काफी अच्छा लग रहा है, और राम की पेड़ी मुझे आने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ, और आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से राम की पेड़ी का दर्शन करवा रहा हूँ। मेरे पीछे राम की पेड़ी, और तमाम जो भक्त यहाँ पे आए हुए हैं वो राम की पेड़ी में स्नान भी कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से अयोध्या मंदिर की ओर जाएंगे,
श्री राम लल्ला का दर्शन करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को राम का पेड़ी का यह ब्लॉग काफी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।